जी बताइए। चलिए जी, क्लास क्लास में पिछली क्लास में हमने कुछ बातें पॉलिनोमियल के बारे में देखी थी। पॉलिनोमियल क्या होता है? एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स की जो वैल्यूज पावर्स है वो होल नंबर्स होती हैं, वो ही सिर्फ आपके पॉलिनोमियल होते हैं, बाकी पॉलिनोमियल नहीं होते। फिर हमने बात की थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो डिग्री होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल की बात हमने की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बताई थी बेटा? जीरो और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो। उसके बाद हमारे पास है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसके लिए पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, दैट इज दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कितने जीरोस? डू नॉट हैव एनी जीरो। एग्जैक्टली, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डू नॉट हैव एनी जीरो, क्योंकि कुछ भी इनपुट उसमें हम डालें आउटपुट कभी भी जीरो बनने वाली नहीं है। और जीरो पॉलिनोमियल में आपके पास सारे के सारे रियल नंबर जीरो हो जाते हैं, क्योंकि कुछ मर्जी इनपुट डालो आउटपुट हमेशा जीरो ही रहने वाली है। और हमने इसके एमसीक्यूज और असम्पशन रीजन आपके पास जो मॉड्यूल है वो कर लिया था। अब हमें करना है इसकी केस स्टडी, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। लो जी, फी ऑफ एक्स, पहला पॉलिनोमियल जो मुझे दे रखा है दैट इज 5, दैट इज मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जी ऑफ एक्स इज 2x+5, लीनियर पॉलिनोमियल। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मींस जीरो पॉलिनोमियल। अब हम यहां पर एक्सप्रेशन देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स पावर 5/2 थ्री टाइम्स एक्स एक्स पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स पावर 1/2, ठीक है जी। स्क्वायर रूट एंड पावर 1/2 एक ही बात है। तो आपको बोला था ऐसे सिचुएशन में अब सबसे पहला काम क्या करना है, ये टर्म दोनों के साथ ले जाकर के इसको सिंप्लीफाई कर ले। देखो जरा क्या बनेगा, एक्स पावर 5/2 अपॉन एक्स पावर 1/2 थ्री टाइम्स एक्स पावर 3/2 अपॉन एक्स पावर 1/2। एक्सपोनेंट्स के रूल आप सबने पढ़े हुए हैं, आपको मालूम है अगर डिनोमिनेटर की पावर को न्यूमिरेटर में लेके जाते हैं तो वो साइन चेंज कर लेती है अपना। डिनोमिनेटर में प्लस हाफ है तो न्यूमिरेटर में जाकर के माइनस हाफ हो जाएगा, ऐसे ही ये भी माइनस हाफ। 5-1 4/2, 3-1 2/2। इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो वो बनेगा x² + 3x। दोबारा देखो क्या किया हमने, ये जो नीचे एक्स पावर हाफ या अंडर रूट एक्स था दोनों के साथ ले गए हम। दोनों के साथ ले जाने के बाद एक्सपोनेंट के रूल्स लगाए। एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, अगर किसी टर्म की एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पावर 5/2 ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2, सो अल्टीमेटली 2 पावर बन गई और यहाँ पर 1 पावर बन गई। सो इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म एफ ऑफ एक्स विल बी रिटन एज x² + 3x। उसके बाद आपको ux, इसमें फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन हमारे पास टी ऑफ एक्स नॉर्मल फॉर्म में दिया है, नो नीड टू मॉडिफाई इट फर्दर, सो आई राइट इट लाइक दिस। यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो इन अ फॉर्म विच के नॉट बी मॉडिफाइड, x² -1/2+1। अब अगर आप वी एक्स को देखते हैं, दिस इज मोर और लेस लाइक योर एफ ओफ एक्स। इसको करेंगे जरा कन्वर्ट, देखें क्या बनाते हो। करके देखो और मुझे बताओ अगर किसी का आ रहा है तो। क्या वी ऑफ एक्स दिया है 6√x, x² 3/2 और डिनोमिनेटर में भी है x³ 3/2। जैसे यहां पर हमने टर्म्स को सेपरेट किया, सेपरेट करो अंडर रूट को पावर हाफ लिखो और बताओ जरा क्या बनाएंगे एक्सप्रेशन को, जल्दी जल्दी करना जरा। नीचे वाला x² 3/2 दोनों टर्म्स के साथ लेकर के जाओ, अंडर रूट एक्स को x² 1/2 लिखोगे, पावर्स को मैनिपुलेट करोगे और मुझे फाइनली बताओगे कि आंसर क्या बना रहे हो।
चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी करिए फटाफट। ये तो कैंसल आउट होके बंद बन गया, यहाँ हाफ और ये जाएगा तो -3/2। हाफ -3/2 करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर -1 बन जाएगी। हाफ -3/2 गिव्स -1। इसका मतलब ये जो मेरे पास v ऑफ x का एक्सप्रेशन है दैट इज एक्चुअली 6x⁻¹। हाँ हाँ जी, ये बता दो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको रिपीट करूं। f ऑफ x एंड v ऑफ x में सेम ही चीज हम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर वाले टर्म को सारी न्यूमरेटर के टर्म्स के साथ लेकर के गए और फिर पावर्स को मैनिपुलेट किया है। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ जी बच्चों, चलो आगे। यस। चलिए जी, वी एक्स के बाद आर एक्स दिया है। यहां पर देखो सिर्फ एक ही चीज, दैट इज 1/5, डिनोमिनेटर में पावर -2 दे रखी है, +5x+7। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ बच्चों? वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में पड़ा था -2 पावर के साथ, उसको ऊपर ले गए तो +2 में चले गया। 1/5 को ऐसे ही रहने दिया, जो नीचे पावर एक्स पावर -2 थी ऊपर लेकर के गए तो एक्स की पावर +2 बन जाएगी। आपको मालूम है अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव हो तो न्यूमिनेटर में जाकर के पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब जो आर ऑफ एक्स है दैट कैन बी रिटन एज 1/5x² +5x+7। अब एस एक्स में फिर से हमें टर्म सेपरेट करके पावर्स की मैनिपुलेशन करनी है। 3x/8/x⁵, 5x³/x⁵, 6x⁷/x⁵, -5x⁴/x⁵5। दिस विल बी 3x³, 5x⁻², यहां पर 2 और यहां पर -1। यहां पर न्यूमिनेटर में 8 पावर, ये ऊपर जाकर के माइनस हुई, 8 -5 3, ये ऊपर जाके माइनस होगी तो 3 -5 -2, 7 -5 2, 4 -5 -1। इसका मतलब है जो एस एक्स है मेरा वो है फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम जाएं तो एस ऑफ एक्स इज 3x³, 5x⁻², 6x² 5x⁻¹। क्यू एक्स इज इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म x³ -3x² -9x-5, एंड डब्ल्यू एक्स इज √3x³-5x⁻¹+7। तो हमने सबसे पहले जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए थे सबको उनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। अब आपने मुझे बताना है इन एक्सप्रेशन में से कितने ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हैं। एक एक करके देखते जाओ और बताओ कितने इसमें ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। लो जी, टोटल 11 मेरे पास एक्सप्रेशंस पड़े हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन कही थी हमने? वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, सिर्फ होल नंबर पावर हो तो पॉलिनोमियल होता है वरना नहीं होता। एक एक को देखते जाओ और बताते जाओ, जल्दी से बताओ कितने ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हैं, ये पूछा गया है। मैम फोर 4, परफेक्ट। एक यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि एक्स की पावर आ गई है -1/2।
वी एक्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल, एक्स की पावर -1। एस एक्स अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें भी नेगेटिव पावर आ रही हैं, और फिर डब्ल्यू एक्स क्योंकि इसमें पावर फ्रैक्शन एंड नेगेटिव बोथ, 3/2 भी आ गया, नेगेटिव पावर भी आ गई, तो ये चार पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन गया? देर आर फोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच आर नॉट पॉलिनोमियल, रेस्ट ऑफ देम आर पॉलिनोमियल्स। ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया है? यस अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सोचना और आंसर करना। कल की क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आज अभी रिवाइज भी किया है 2 मिनट पहले। हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स डू नॉट हैव एनी जीरो? सबसे पहले सोचो कौन से ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी जीरो नहीं होती। जीरो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, जितनी डिग्री उतनी जीरोस हो सकती हैं पॉलिनोमियल की। कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था और आज थोड़ी देर पहले भी हमने डिवाइज किया, कौन से ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी जीरो नहीं होती, विच डू नॉट हैव एनी जीरो, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स। यहां पर कितने कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल नजर आ रहे हैं आपको? वन, ओनली वन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज देयर, दिस इज योर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, और इसकी कोई भी जीरो नहीं होगी। ये है लीनियर पॉलिनोमियल तो एक जीरो, ये क्वाड्रेटिक तो दो क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक हो सकती हैं, दो हैं या नहीं उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। दे कैन हैव, क्वाड्रेटिक्स कैन हैव टू, क्यूबिक्स कैन हैव थ्री जीरोस। चलिए जी अगला क्वेश्चन, डिग्री ऑफ विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड? जीरो। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। यहां पर पॉलिनोमियल्स के नेम से क्या गया, तो एच ऑफ एक्स ऐसा है जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल है। यहां पर जीरो पॉलिनोमियल नहीं, नाम दिए गए हैं क्यू एक्स एस एक्स, मतलब ये अबव पॉलिनोमियल्स में से बताना है। सो एच ऑफ एक्स इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। फिर आपसे पूछा गया डिग्री ऑफ विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स इज जीरो, P of X। पी ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। नो अच्छा क्यों होती है बेटा? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो जीरो। होती है, जीरो पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड होती है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री वन, क्वाड्रेटिक है तो दो, क्यूबिक है तो तीन। सो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है जीरो, बिकॉज कॉन्स्टेंट 5 कैन बी रिटन एज 5 × x^0, सो डिग्री इन दिस केस इज जीरो। फिर आपसे पूछा गया हाउ मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर देयर, देखो और बताओ कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं मेरे पास? टू टू, जरा ध्यान से देखो, दो हैं, तीन है। एफ ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक, टी ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक, एज वेल एज आर ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक, तो मेरे पास तीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पड़े हैं यहां पर। जो केस स्टडी के फर्स्ट पार्ट का आंसर है बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए। ठीक है जी, अब इस मॉड्यूल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। इस मॉड्यूल में बेसिकली हमने तीन बातों पर ही सारा का सारा स्ट्रेस, कौन कौन से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते, जिन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए वो पॉलिनोमियल नहीं होते, पॉलिनोमियल बताना है किसी भी एक्सप्रेशन को तो उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के बाद अगर उसमें फिर से नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर बच जाए तो हम कह देंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल है। दूसरी बात डिग्री की गई और तीसरी बात जीरोस की गई है। डिग्री की जब हमने बात की तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो प्रेजेंट है वो डिग्री होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है।
तीसरी बात हमने की जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की जिसके लिए पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। जो आपके पास जीरो पॉलिनोमियल है उसकी कोई भी जीरो नहीं होती है, और सॉरी, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी कोई भी जीरो नहीं होती, और जीरो पॉलिनोमियल के लिए हर एक रियल वैल्यू जीरो होती है। हाँ जी एक्सक्यूज मी मैम, कैन बोलो बेटा। यू रिपीट असर्शन रीजन? ओके, असर्शन रीजन देखो जी। फर्स्ट असर्शन रीजन है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। बताइए जी, इज इट अ जीरो पॉलिनोमियल? यस यस, इट्स यस जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो हम उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब यहां पर असर्शन हो गया ट्रू। रीजन दिया है रूट एक्स प्लस थ्री इज अ पॉलिनोमियल, फॉल्स। क्योंकि रूट का मतलब है पावर 1/2, फ्रैक्शनल पावर पॉलिनोमियल नहीं देती। तो फर्स्ट असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सो आंसर इन दिस केस इज सी। सेकंड, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड ट्रू। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट ट्रू। हर टर्म का कोई ना कोई कोफिशिएंट तो है ही, जैसे ये है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है। सो एवरी टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज सम कोफिशिएंट। सो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। सो आंसर बी हो गया। थर्ड, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। True. किसी भी पॉलिनोमियल की एक से ज्यादा जीरो हो सकती है। जीरो डिपेंड करती है डिग्री पे। क्वाड्रेटिक हो गया तो 2 होंगी, क्यूबिक हो गया तो 3 होगी, लीनियर है तो 1 होगी, कांस्टेंट है तो कोई भी नहीं होगी। सो 2 से ज्यादा जीरो बिल्कुल हो सकती हैं। फिर बोला गया एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। दिस इज ऑल्सो ट्रू। जीरो पॉलिनोमियल में जो मर्जी इनपुट डालूं आउटपुट जीरो ही बनती जा रही है। मतलब कोई भी रियल नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। अगेन एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो आंसर विल बी बी। फोर्थ देखते हैं, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि आपको दिख रहा है आप जब 3 लीनियर पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर है वो 3 ही बन सकती है, 4 तो बन ही नहीं सकती। एक्स 3 बार ही प्रेजेंट है, चौथी बार तो है ही नहीं। जब मैं इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो हाईएस्ट पावर 4 नहीं आ सकती। डिग्री का मतलब बोला गया था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विच कैनॉट बी 4, और यहां पर दे रखा है 4। इसका मतलब असर्शन हो गया है फॉल्स। फिर पूछा गया था नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। True. तो रीजन है ट्रू, सो आंसर हो गया डी। ठीक है जी, सो एनी प्रॉब्लम इन दिस मॉड्यूल? एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और केस स्टडी। चलिए जी, नेक्स्ट जो हमने बात करनी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। ध्यान से देखते जाना हम क्या बात कर रहे हैं। एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं कहूं कि x माइनस ए इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ ए इज जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू ए इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ये बात हम पिछली क्लास से करते आ रहे हैं बार बार, सिर्फ लिखने का, कहने का, पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है पी ऑफ एक्स का तो एक्स इज इक्वल टू ए उसकी जीरो है, और जो जीरो होती है उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है जी, इसी बात को क्या मैं एक और तरीके से कह सकती हूं? इफ एक्स माइनस ए डिवाइड्स पी ऑफ एक्स देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू ए इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स।
अगर कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है तो आपको पता है उसे डिवीजन होने पर रिमाइंडर जीरो हो जाता है। फैक्टर होने का मतलब ही यही है कि पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अगर हम कहते हैं टू इज अ फैक्टर ऑफ एट, क्यों कहते हैं? क्योंकि जब 2 से 8 को आप डिवाइड करते हो तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, कोई भी हमारे पास उसमें रिमाइंडर नहीं बचता। तो अगर एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, फैक्टर है तो एक्स इज इक्वल टू ए उसकी जीरो हो जाएगा। तीसरा मैं कह सकती हूं, इफ पी ऑफ ए इज जीरो, इफ पी ऑफ ए इज जीरो देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। इसी बात को अगर मैंने एक और तरीके से कहना है तो मैं कह सकती हूं, इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स देन पी ऑफ एक्स इज मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस ए। ध्यान से हम कहते हैं, जैसे हमने कहा दो फैक्टर है 8 का, तो 8 मल्टीपल है 2 का, ठीक है जी। इफ टू इज अ फैक्टर ऑफ 8 देन 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स देन पी ऑफ एक्स इज द मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस ए। कुछ भी वर्डिंग पूछी जा सकती है, बात एक ही कर रहा है बार बार घुमा के, नया कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में वर्डिंग क्या दी है दैट मैटर्स। किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आपको पहले समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे को पूछा बोला जाए कि बताओ एक्स माइ कि पी ऑफ एक्स मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस ए है या नहीं। क्वेश्चन क्या दे दिया? प्रूव दैट पी ऑफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस ए। तो एक्चुअली आपको क्या बताना है कि एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, और वो कब होता है? जब पी ऑफ ए 0 हो जाए, ठीक है जी। एक ही बात को कहने के पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वही समझ में आना चाहिए। मैथ्स में सिर्फ यहीं पे दिक्कत है, क्वेश्चन को समझना इज द प्रॉब्लम। फॉर्मूले आप लोगों को आते हैं, फॉर्मूले अप्लाई भी करने आते हैं, कैलकुलेशन भी चलो थोड़ा बहुत रोबिट के कर ही लेते हो, पर मेजर प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन समझ नहीं आता करना क्या है। ठीक कह रही हूं मैं ये गलत कह रही हूं? प्रॉब्लम यहीं पे फंसती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यही नहीं पता, बता दो तो हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने आपको जो पॉसिबल हो सकता है इसके अलावा भी एग्जामिनर के माइंड में कोई और तरीका आ जाए पूछने का, दिस इज दीज आर नॉट दी ओनली वेज, देयर कैन बी मोर वेज ऑल्सो, वट एवर केम टू माई माइंड आई हैव टोल्ड यू, राइट। चलिए जी, तो आपके पास मॉड्यूल है नेक्स्ट, निकालो निकालो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, चेक वेदर पी ऑफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स और नॉट। पी ऑफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स, और आई से जी ऑफ एक्स फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो अब आपको यहां पर क्या बताना है? आपको यहां बताना है क्या एक्स माइनस टू पी ऑफ एक्स का फैक्टर है? क्या एक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 4x-3 का फैक्टर है? कैसे बताएंगे? मैम एक्स की वैल्यू 2 रखकर। बिल्कुल ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर है तो एक्स इज इक्वल टू टू पी ऑफ एक्स की 0 होनी चाहिए, और अगर 0 है तो पी ऑफ टू आंसर 0 दे देना चाहिए। अगर ये आंसर 0 दे देगा तो हम कहेंगे कि पी ऑफ एक्स इज द मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, और अगर आंसर 0 नहीं बना तो फिर फैक्टर फिर वो उसका मल्टीपल या उसका फैक्टर
नहीं है, चेक करते हैं। पी ऑफ टू 8 28 8 -3। इज एक्स माइनस टू अ मल्टीपल, इज पी ऑफ एक्स मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स? नो नो। दोबारा सुन लो क्या कहा गया है। मुझे बोला गया चेक वेदर पी ऑफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स। चेक करना है क्या पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का मल्टीपल है। इन अदर वर्ड्स आई से क्या जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। अगर जी ऑफ एक्स विच इज एक्स माइनस टू इसका फैक्टर हो तो एक्स इज इक्वल टू टू को इसका जीरो होना पड़ेगा, और जीरो होने के लिए एक्स इज इक्वल टू टू पर आंसर जीरो बन जाना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा। इट मीन्स पी ऑफ एक्स इज नॉट द मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या ये बात समझ में आई है सभी को? यस चलिए जी, फिर फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट में एक्स को क्या वैल्यू डालेंगे आप पी ऑफ एक्स में, वो बता दो बस मुझे। -1/2 जो भी फैक्टर पूछा जाए, यहां पर पूछा गया है 2x+1, जो भी कोई फैक्टर दिया है उसको जीरो से इक्वेट करके जो एक्स की वैल्यू मिलती है वो डालनी रहती है। जैसे यहां हमने एक्स माइनस टू को जीरो से इक्वेट किया, एक्स की वैल्यू 2 आई। अब 2x+1 को जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू -1/2 आएगी। तो पॉलिनोमियल में एक्स की जगह -1/2 डाल करके मुझे देखना है क्या मेरा आंसर जीरो बना। कर लो जरा फटाफट चेक। पॉलिनोमियल इस केस में मुझे दे रखा है 2x³ -11x² + 4x + 5, और मैं क्या कह रही हूं एक्स को डालना है -½। फ्रैक्शन में जब वैल्यूज आ जाती हैं तो गलतियां होनी वैसे ही शुरू हो जाती हैं देख करके। कैलकुलेशन चाहे आती भी होगी लेकिन देख के ही गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान से करना जरा, देखूं क्या कैलकुलेशन करते हो। -1/2 का क्यूब करूं क्या आएगा? -1/8 -1/8। 2 × -1/8 दिस विल बिकम 1/4। ये कैंसिल होकर के -2 + 5, ये बन गया पहली टर्म -1/4 -11/4 -2 + 5। मैम, इसका आंसर 0 आ रहा है। बिल्कुल। अब इन दो को पहले इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। पूरे का एलसीएम लेकर के काम करने की बजाय, क्योंकि एलसीएम लोगे फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सब करना पड़ेगा, इट इज बेटर मैं पहले ये दो टर्म्स को इकट्ठा कर लूं। जब इन दो टर्म्स को आप इकट्ठा करेंगे तो क्या बना? -1 -11/4 -2 + 5, -12/4 -3 -2 + 5। तो आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। यस आंसर जीरो आ रहा है। तो कैन आई से पी ऑफ एक्स इज मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स? यस 2x+1 इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, यस और एक्स इज इक्वल टू -1/2 इज दी जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। यस तो एक ही चीज के बेटा हमने कितने सारे तरीके देख लिए। तो सब बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए, हर क्वेश्चन का एक ही तरीका एक ही आंसर, सिर्फ समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है जी, अब जरा सेकंड एमसीक्यू करो, देखें जरा क्या करते हो। सेकंड एमसीक्यू, यहां पर एक और टर्म यूज कर ली गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द पॉलिनोमियल x² - kx + 6 इज डिविजिबल बाय x-2। क्या मतलब हुआ इसका?
हम इसका आंसर के इज इक्वल टू -5 आ रहा है। के इज इक्वल टू 5 आ रहा है बेटा मेरे पास आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है आंसर में गड़बड़ हो, ये पॉसिबिलिटी है, वी विल चेक। कंसेप्ट क्या लगेगा, मुझे कहा जा रहा है कि के की वो वैल्यू बताओ ताकि ये पॉलिनोमियल एक्स माइनस टू से डिविजिबल हो जाए, मतलब एक्स माइनस टू इसका फैक्टर बन जाए, क्योंकि फैक्टर से ही पूरी तरह से डिविजिबल होता है। 3 9 का फैक्टर है क्योंकि 3 से 9 पूरी तरह डिविजिबल है। यहां पर कहा गया के की वैल्यू बताओ सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। इट मीन्स एक्स, मुझे क्या बताना है, एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो पी ऑफ टू क्या हो जाना चाहिए, 0। डाल देते हैं, 4 -2 के प्लस 6 = 0, 10 -2 के इज इक्वल टू 0, 10 = 2 के, तो बेटा के की वैल्यू 5 आ रही है बेटा, -5 तो नहीं आ रही है। हाँ जी, हमें यहां पर क्या कहा गया कि ये गिवन पॉलिनोमियल डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू है, इसका मतलब एक्स माइनस टू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो पी ऑफ टू शुड बिकम इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में एक्स की जगह 2 डाला और आंसर को 0 से इक्वेट किया तो के की वैल्यू आई 5। इज इट ओके। Yes. अब जरा फर्स्ट एमसीक्यू देखें। मैम मैंने ऐसे किया है कि जो 6 है उसको मैंने दूसरी साइड लेके -6 बना दिया, और जो 4 था उसको भी दूसरी साइड लेके -4 बना दिया, और इन दोनों को प्लस करके -10 आ गया। तो बेटा ये भी तो माइनस है ना, ये माइनस और माइनस भी तो कटेगा बेटा, मैम यस तो फिर के की वैल्यू 5 ही तो आ रही है बच्चे। मम्मी यस yes. चलिए जी, फर्स्ट एमसीक्यू देखिए। इफ एक्स प्लस टू ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अब सिंपल सी बात कह दी है उसने, पर कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो गई है और क्या डालना है आपने उसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। +2x + 2a + 3, और कहा गया x+2a इसका फैक्टर है। बस जी बातें नहीं करो, 10th E बातें नहीं, पहले बेंच पे बैठ के बातें मारी जा रहे हो, काम कर लो। हाँ जी, अगर x+2a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x को क्या वैल्यू डालने पर पूरे का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। क्या बोला आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा x-2 फैक्टर है, तो आपने क्या किया, इसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू 2 डाली निकाली और उसको p ऑफ x में डाल करके 0 किया। आपको यही बात बताई, जो भी फैक्टर गिवन है उसको 0 से इक्वेट करो और जो एक्स की वैल्यू आ जाए उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहां पर कोई नंबर तो दिया ही नहीं है, ए ही है तो क्या फर्क पड़ता है, ए ही है तो क्या हुआ, कंसेप्ट तो नहीं बदल जाएगा, बेसिक तो वही रहेगा। x+2a अगर इसका फैक्टर है तो इसको 0 से इक्वेट करके जो x की वैल्यू आए वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, और 0 को जब हम पॉलिनोमियल में डालते हैं तो वो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देता है। ये बात समझ में आई है कि नहीं बच्चों, मम्मी बस एक ही बच्चे की आवाज मुझे 6 सेक्शंस में से आ रही है जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, और किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, चाहे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस मैडम बोलती जा रही है, बात खत्म। हाँ जी,
बाकी बच्चे सिक्स ए बी सी डी कहीं से कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? हैप्पी थोड़ा सा बोल लो, थोड़ा कष्ट करो, एनर्जी लगाओ थोड़ी सी। हाँ डालो जरा एक्स को -2 है, देखती हूँ क्या बनाते हो। जल्दी जल्दी डालो, देखो क्या करते हो। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज -2 ए एंड व्हाट एवर यू गेट उसको 0 से इक्वेट। -2a की पावर 5 -4a² -2a का क्यूब 2 टाइम्स -2a +2a +3। हाँ जी बच्चों, हम क्या करना है, हमने क्या किया, एक्स को डालना है -2a। कैलकुलेशन करते हैं जरा, -2a पावर 5 क्या आएगा? -32a5। -32a पावर 5। नेगेटिव की जब ऑड पावर करते हो तो आंसर माइनस में रहता है। 2 पावर 5 इज 32 एंड a पावर 5। यहां पर -2 का क्यूब करेंगे तो -8, -8 -4 +32। यहां से a² यहां से a³, बेस सेम पावर्स एड a पावर 5 एंड दिस होल हैज टू बी 0। -4a +2a + 3 इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल, -2a + 3 इज इक्वल टू 0। -2a इज -3, सो वैल्यू ऑफ a इज 3/2। हमने x को डाला है -2a, जब कैलकुलेशन कर रहे हैं -2a पावर 5, 2 की पावर 5 32, a पावर 5 नेगेटिव रह जाएगा क्योंकि ऑड पावर है। -2a³ करोगे -8a³, यहां से मिल रहा है -8a³ और साथ में पड़ा है -4a² माइनस माइनस +32। पावर यहां 3 यहां 2, बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, सो 32a पावर 5। दिस इज -4a + 2a + 3, ये तो आपस में कैंसिल। -4a + 2a इज -2a + 3, सो ए की वैल्यू 3/2। ठीक है जी, चलो जी असर्शन रीजन देखते हैं अब। फर्स्ट असर्शन रीजन जल्दी जल्दी देखो और बताओ जरा। x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ +3x² +5x+6 एंड 2x+4। बताओ जी क्या x+2 इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है? एक पॉलिनोमियल को अगर मैं पी ऑफ एक्स ले लूं, x³ +3x² +5x+6, और दूसरे को जी एक्स ले लूं 2x+4, मैंने बताना है x+2 इन दोनों का फैक्टर है, मतलब क्या करना है मुझे? बच्चों आपको वीडियो क्लियर है? ठीक है जी। हाँ जी, अगर x+2 इसका फैक्टर है, मतलब सारे बोलेंगे जल्दी से, क्या चीज जीरो बननी चाहिए? -2 P ऑफ -2 शुड बिकम इक्वल टू 0। तो x2 को 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू -2। P ऑफ -2 निकाल के देखो और g ऑफ -2 निकाल के देखो, क्या दोनों का आंसर 0 आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर ये फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जल्दी जल्दी करो जरा। करके देख लो।
हाँ जी, जब यहाँ पर x को -2 डाला तो -2 का क्यूब 3 टाइम्स -2 स्क्वायर 5 टाइम्स -2 प्लस 6 -8 प्लस 12 -10 प्लस 6 -18 प्लस 18 जीरो, मतलब x+2 इसका तो फैक्टर है। यहाँ डाल दूं तो -4 प्लस 4 इसका भी फैक्टर है, इसका मतलब असर्शन तो हो गया ट्रू। रीजन की बात करते हैं। इफ पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ ए इज 0, ये भी सही हो गया और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। सो आंसर फॉर दिस इज ए, असर्शन ट्रू रीजन भी ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो आंसर इन दिस केस इज ए। अगला देखिए जी, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन के इज इक्वल टू -3। कर लोगे इसको, एक्स को क्या डालोगे अब इसमें, एक्स माइनस वन फैक्टर दिया है। अगर एक्स माइनस वन फैक्टर दिया है इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या डालनी है, वन वन डाल करके जो आंसर बनेगा उसको 0 से इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल लेनी है आपने, ठीक है जी। और रीजन है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। रीजन करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो असर्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आंसर क्या बन रहा है, ठीक है जी। रीजन आपका ट्रू है, असर्शन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज ट्रू और नॉट, अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर आंसर। चलो इसको कर लेना। अगले पार्ट के लिए अब हमें क्या करना है, आप सबको मालूम है अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसको फैक्टराइज कैसे करते हो यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कौन बताएगा मुझे। एक सिंपल सा पॉलिनोमियल दे रही हूं, एक्स स्क्वायर -3x+2। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज करना है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कैसे होगा ये बताएगा कौन मुझे। नाइन्थ ए से कौन बताएगा। मैम, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है, जो उनका प्रोडक्ट है, वो मिडल टर्म के सम के बर सम या डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। जैसे एक्स और 2 का 2 है, तो 3 या 3 को प्लस या माइनस करके 3 आना चाहिए आंसर, जिसका प्रोडक्ट 2 है। देखो ax2, ठीक है बेटा कुछ हद तक पूरी बात मुझे समझ नहीं आई है, आई वॉन्ट से कंप्लीटली। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax2 + bx + c, मैंने इसको दो पार्ट्स में बांटना है, स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, कैसे। वो जो दो नंबर मैं चाह रही हूं उनका प्रोडक्ट होना चाहिए a × c और सम होना चाहिए b। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर करूं तो a1 है, b-3 है और c2 है। इसका मतलब मेरे पास प्रोडक्ट होना चाहिए a × c दैट इज 1 × 2 और सम आना चाहिए b दैट इज -3। मतलब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 2 मिल जाए और ऐड करूं तो -3 मिल जाए। क्या करना है मुझे, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 मिले और ऐड करने पर -3 मिले। क्या ऐसे कोई दो नंबर सोच सकते हो। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, देख लो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, ये कब पॉसिबल हो सकता है। दो नंबर्स को ऐड करने से नेगेटिव आंसर आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव आ रहा है, ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों नंबर कैसे हों, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएगा, और दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर नेगेटिव मिल जाएगा। अब अगर हम इन लाइंस पर सोचें तो यहां से दो नंबर 2 और 1, -2 और -1 अगर मैं ले लेती हूं तो -2 और -1 का प्रोडक्ट 2 है, लेकिन जब आप -2 और -1 को ऐड करेंगे तो मिलेगा -3।
सो यू हैव टू थिंक दिस वे, आपके पास प्रोडक्ट, इसको जिन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है उन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट ए इंटू सी और उनका सम भी बनना चाहिए. सो डिपेंडिंग अपॉन क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं सम एंड प्रोडक्ट, एक चीज पॉजिटिव एक चीज नेगेटिव, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड कि हमें क्या करना है कैसे करना है. अब यहां पर मुझे समझ में आ गया कि जिन दो पार्ट्स में मैंने इसको स्प्लिट करना है वो है माइनस दो एंड माइनस वन. सो आई एम राइटिंग इट एज माइनस टू एक्स माइनस एक्स. इन दो टर्म्स में से एक्स बाहर आ जाए तो एक्स माइनस टू, इन दोनों में से माइनस वन बाहर आया तो एक्स माइनस टू. अब इन दोनों में से फिर एक्स माइनस टू बाहर बचा क्या, यहां से एक्स यहां से माइनस वन. सो द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन. आई रिपीट व्हाट आई हैव डन, मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने थे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, उन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट ए इंटू सी इस केस में दो और सम बी जो इस केस में माइनस तीन है. प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है सम नेगेटिव है, ये तभी पॉसिबल होगा जब दो पार्ट्स में जिसमें मैं डिवाइड कर रही हूं वो दोनों नेगेटिव हो. तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिनको जो नेगेटिव हो, मल्टीप्लाई करूं तो दो दे दें ऐड करूं तो माइनस तीन दे दें, वो दो पार्ट बने माइनस दो और माइनस एक. इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, पहले दो में से कॉमन बाद वाले दो में से कॉमन एंड आई गॉट माई आंसर. ठीक है जी. तो अब जरा थर्ड असर्शन रीजन देखो और यहां पूछा गया है x प्लस वन इज द लीनियर फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5. तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. लो जी 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, बताओ जरा यहां पर देखें तो a 3 है b 8 है और c 5 है. ठीक है जी. तो अब मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, 15x स्क्वायर. प्रोडक्ट आई वांट 15 एंड सम आई वांट 8. प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है सम भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जिन दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगी वो दोनों कैसे चाहिए मुझे, पॉजिटिव. यस. थिंक अबाउट टू पॉजिटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 15 एंड व्हेन Add those two, I get 8. 3 and 5. करो फटाफट इसको लिखो, 5x प्लस 3x कॉमन चॉमन निकालो और जो फैक्टर्स बन रहे हैं बताओ मुझे, जल्दी से करो जरा quickly. मैम 3x प्लस 5x प्लस 1. 3x प्लस 5 एंड x प्लस 1. देख लो जी सबका आ गया है. यस. चलिए जी, तो अब बताइए इसका assertion और reason दोनों कैसे हैं, ठीक हैं गलत हैं, क्या कह रहा है ये. Both are true. Both are true. True है, रीजन भी ट्रू है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब आंसर बन गया आपका A. अब जरा मैं एक पॉलिनोमियल दे रही हूं क्वाड्रेटिक जिसको आपने फैक्टराइज करके बताना है. लो जी पॉलिनोमियल है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7. जल्दी से कर दो जरा, 2x square plus 5x minus 7. Now, product required is minus 14 and sum required is plus 5. Product negative hai, sum positive hai.
जिन दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं, आंसर इज एक्स माइनस वन एंड टू एक्स प्लस सेवन. बिल्कुल ठीक है जी, एक्स माइनस वन एंड टू एक्स प्लस सेवन. क्या करना है मुझे, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव सम पॉजिटिव. इसका मतलब मेरे नंबर कैसे, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैसा? पॉजिटिव और नेगेटिव. प्रोडक्ट को नेगेटिव लाने के लिए एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, दोनों नेगेटिव हो तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है. मतलब मेरा एक नंबर नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए. अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को ऐड करके पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? पॉजिटिव पॉजिटिव. बिगर नंबर पॉजिटिव एंड स्मॉलर नेगेटिव, अभी तक तो ये डिसाइड हुआ है मेरा. अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिनकी मल्टीप्लिकेशन से -14 मिले और सम करने पर 5 मिले. 7 माइनस 2. 7 एंड -2. बिगर वन पॉजिटिव, स्मॉलर वन नेगेटिव. 7 into -2 विल गिव मी -14. व्हेन आई एड 7 एंड -2 आई गेट 5. सो 2x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7. इनमें से मैं x सिर्फ बाहर ले सकती हूँ. 2x प्लस 7 माइनस 1 बाहर, 2x प्लस 7. सो आंसर इज x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 7. ठीक है जी, ये तो हमारे पास काम हुआ जब मेरे कॉफिशियंट्स सारे के सारे रैशनल नंबर्स थे. अब जरा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन का थर्ड क्वेश्चन देखो, फटाफट एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं. क्यूबिक की फैक्टराइजेशन चलो अब नहीं कर पाएंगे हम. थर्ड क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग में एक्स स्क्वायर प्लस 4√2x प्लस 6. अब जो आपका कॉफिशियंट है वो रैशनल नहीं है, इरेशनल है. प्रोडक्ट चाहिए 6, सम चाहिए 4√2. अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 6 मतलब रैशनल नंबर हो गया और सम इरेशनल नंबर बने 4√2. देखो जरा, प्रोडक्ट को मैं लिख दूं 3 into 2 एंड दिस 2 फर्दर कैन बी रिटन एज √2 into √2. मालूम है आपको, √2 into √2 2 बन जाता है, तो 2 को भी √2 into √2 ले सकते हैं. इसका मतलब अगर मैं एक नंबर को 3√2 ले लूं और दूसरे को √2 ले लूं, तो मुझे दिख रहा है सामने से प्रोडक्ट बन जाएगा 6, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो एडिशन बन जाएगा 4√2. दोबारा देखो, प्रोडक्ट चाहिए था 6, सम चाहिए था 4√2. प्रोडक्ट रैशनल है, सम इरेशनल है. मैंने 6 के फैक्टर किए 3 और 2, यहां √2 दिख रहा था, इसीलिए इसको स्प्लिट कर दिया √2 into √2 में. एक बन गया 3√2, एक बन गया √2. नाउ आई विल राइट इट एज 3√2x प्लस √2x प्लस 6. इसमें से x बाहर निकाल दूं तो x प्लस 3√2. इसमें से अगर √2 बाहर निकालूंगी तो यहां पर देखो, 6 को हमने लिखा था 3 into √2 into √2. एक √2 बाहर आ गया तो बचा क्या, 3√2. कॉमन निकालने तो x प्लस √2 into x प्लस 3√2. तो ये हैं दो फैक्टर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. दोबारा एक बार देख लेते हैं, प्रोडक्ट चाहिए था 6, सम चाहिए था 4√2. 6 को लिखा 3 into 2, और इस 2 को ही क्यों मैंने √2 into √2 लिखा, क्योंकि सम में इरेशनल पार्ट √2 चाहिए. दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया 3√2 एंड √2, क्योंकि इनको ऐड करने से 4√2 मिल रहा है और प्रोडक्ट तो 6 मिलना ही है. ले लिया जी यहां पर 3√2 एंड √2. पहले दो में से x बाहर आया, इन दो में से √2 बाहर निकाला, यहां तो x बच गया.
छह है, 3 × √2 × √2, √2 बाहर चले गया तो 3 √2 बच गया। इन दोनों फैक्टर्स में से x+3√2 कॉमन, यहां से x बचा, यहां से √2 बचा। सो x+√2 × x+3√2, दैट आर योर फैक्टर्स। तो जब भी आपके कॉफिशियंट इरेशनल हो जाएं, तो जो प्रोडक्ट चाहिए उसके फैक्टर्स बना के देख लो, और जो इरेशनल पार्ट चाहिए उसको स्क्वायर रूट्स में कन्वर्ट कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है जी, हाँ जी, इज इट ओके? Yes. दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द क्लास। Thank you, ma'am. ओके जी, बाय बाय Bye. बाय बाय बाय।